right? So today we will start with क्वेश्चन नंबर थ्री था ना ये लास्ट हम लोग जो किया सो हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर राइट सो क्वेश्चन नंबर फोर में दिख रहा है साफ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम है राइट यू कैन इजीली सी दैट इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ थ्री प्रोडक्ट लाइंस ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर द ईयर 1920 राइट रेवेन्यू दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न तो ये डायरेक्ट हो गया इसका नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड आवर्स ऑफ सेल्स स्टॉकिंग टाइम एंड आइटम सोल्ड सारा ओवरहेड का खर्चा का बता दिया है बॉटल्स तो वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंडर में था तो डायरेक्ट हो गया राइट और ऑर्डरिंग होगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे डिलीवरी होगा नंबर ऑफ डिस्पैच पे सेल्फ स्टॉकिंग होगा आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम पे और कस्टमर सपोर्ट बोला है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम सोल्ड तो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट तो सबसे पहला नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर ड्राइवर उसमें सबसे पहला कॉलम आएगा एक्टिविटी फिर आएगा कॉस्ट पुल फिर आएगा कॉस्ट ड्राइवर फिर आएगा नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर उसके बाद आएगा कॉस्ट पर ड्राइवर राइट ध्यान से सो एक्टिविटी में सबसे पहला है बॉटल्स रिटर्न राइट 60,000 डायरेक्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक इसका कोई एलोकेशन होने का दरकार नहीं है देन ऑर्डरिंग रिलेटेड खर्चा कितना है 7,80,000 ये होगा नंबर ऑफ पीओ और टोटल पीओ कितना है 360 है सॉफ्ट ड्रिंक का फ्रेश प्रोड्यूस का है 840 और 360 करिए तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना है बताओ पंद्रह सौ साठ ऑर्डर मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आएगा ₹500 पर ऑर्डर वेरी गुड नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिलीवरी खर्चा है 12,60,000 तो नंबर ऑफ डिलीवरीज तो डिलीवरीज कितना है राइट सो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है बताइए फास्ट 300 660 और 2190 कितना 3150 डिलीवरीज व्हाट इज द कॉस्ट पर डिलीवरी 12,60,000 डिवाइड बाय 3150 कितना ओके 400 प्लस डिलीवरी पर डिलीवरी राइट देन है सेल्फ स्टॉकिंग कितना
कितना है 8,64,000, तो ये जाएगा सेल्फ स्टॉकिंग आवर पे, सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। तो आवर्स का टोटल कितना है 540, 5,40,5,427,8,640 आवर्स, राइट। सो सिंपल है, 100 पर आवर हो गया, ये तो एकदम झमेला ही नहीं है। फिर है लास्ट हमारा एक्टिविटी कस्टमर सपोर्ट, दैट इज 15,36,000। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आइटम सोल्ड, सो आइटम सोल्ड का नंबर्स कितना है 15,36,000 ही है। सो दैट कम्स टू ₹1 per unit। तो ये वाला आने के बाद, वंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस, अब हम लोग बनाएंगे ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट। So now we will do statement showing calculation of total cost and operating income. राइट, क्या क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, और क्या है, फ्रेश प्रोड्यूस्ड पैकेज्ड फूड, सबसे पहला। रेवेन्यू, इसको अपने ए बोलेंगे, राइट। उसके नीचे अपने डबल लाइन टान दो, तो रेवेन्यू कितना कितना दिया हुआ है, सब रुपीज में है, लिखने का दरकार नहीं है, ऑल फिगर्स आर इन रुपीज। 39,67,500। उसके बाद है 1,05,03,000। उसके बाद है 60,49,500। टोटल कॉस्ट जो कि बी होगा, तो टोटल कॉस्ट में एक तो आ गया हमारा COGS, फिर आएगा मेरा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आएगा बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट। तो ये आ गया मेरा बी, एंड देन profit will be A minus B, right? तो COGS तो सबका दिया हुआ है, हाँ ना, बताइए COGS कितना कितना दिया हुआ है, 30 lakhs, 75 lakh,
45 लाख, बॉटल रिटर्न 60,000 यहीं पे आएगा ना। ऑर्डरिंग है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे और कॉस्ट पर ऑर्डर है 500, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है सॉफ्ट ड्रिंक का, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स परचेज ऑर्डर सॉरी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना कितना है बताइए। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 36, 360 इंटू 500 विल बी 1,80,000, 840 इंटू 500 विल बी 4,20,000 एंड देन 360 इंटू 500 विल बी 1,80,000। डिलीवरीज इट इज 400 पर ऑर्डर, तो 300 इंटू 400 1,20,000, देन 2,190 इंटू 400 8,76,000, देन 660 इंटू 400 2,64,000, then we have self stocking expenses, self stocking है 100 per hour, तो 540 है तो यह आएगा 54,000, then 5,400 वाले का आएगा 5,40,000, इसका आएगा 2,70,000। कस्टमर सपोर्ट 1 पर यूनिट, तो इसका है 126 यूनिट्स तो 126 हो जाएगा, इसका है 11,04,000 तो 11,04,000 हो जाएगा, इसका है 3,06,000 तो 3,06,000 हो जाएगा। अभी टोटल कर लो, खर्चा का टोटल करने बोला है मैंने। करो जल्दी जल्दी करो, कितना रहा है 35,40,000, इसका आ रहा है 1,04,40,000, ठीक है, इसका आ रहा है 55,20,000, ठीक है बराबर है। अभी रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आएगा 4,27,500, ठीक है, इसका आएगा 63,000, ठीक है, इसका आएगा 529, ये वाला क्वेश्चन आपको ताज्जुब होगा सुन के, जब मैंने सीए फाइनल क्लियर किया था तब ये क्वेश्चन आया था। एंड उस समय खाली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने नहीं बोला था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ में दे हैड गिवन एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते वक्त जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला गया था दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिमेंबर, ठीक है। सो ये जो आपके इंटरमीडिएट लेवल में जो क्वेश्चन आया है इट्स अ फाइनल लेवल क्वेश्चन, क्यों फाइनल में आ चुका है, इसे तो फाइनल लेवल क्वेश्चन हो गया ना, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। कॉलर वॉलर ऊपर करने का दरकार नहीं, तुम तो कॉलर वॉलर चढ़ा लिया अपना, ऐसा क्या बात हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।
Question number 5. राइट वाओ कॉस्ट शीट का समय माय फेवरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5. राइट एकदम इजी सम है. राइट इज दैट फाइन. समझ में आ रहा है सभी को. आइए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो कि नोट नंबर 1 पे आएगा हमारा. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड राइट नाउ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है. टू लैक 88 वेरी गुड प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है. प्राची देखो ना जेवियर्स का कॉल स्टूडेंट का कॉल आ रहा है. 64 लाख राइट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फोर लाख 46 नाउ यहां पे जो सेल ऑफ स्क्रैप है ना ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरेट हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करते वक्त इसको लेस करेंगे राइट तो स्क्रैप रियलाइजेशन जो हुआ है वो ध्यान दीजिएगा कौन से स्टेज में हुआ है अकॉर्डिंगली वी विल सब्ट्रैक्ट इट. अभी तक जो भी था सेल ऑफ रॉ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल था तो अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त करते थे राइट सो हमारा ठीक है ठीक है कितना आ रहा बताइए. टेल मी हाउ मच फटाफट कैलकुलेट करिए.
2,88,000 plus 6,64,00,000 minus 4,46,00,000 62,42,000, ठीक है, तो 62,42,000 इज दैट फाइन? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अभी डायरेक्ट वेजेस, राइट, कितना दिया हुआ है? 23,20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के कुछ है नहीं, तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा करो? 85,62,000. These are simple additions. You can do it orally. Plus factory overhead. So factory overhead का calculation हम यहाँ भी दिखा सकते हैं या note to करके नीचे add करके भी दिखा सकते हैं. तो since मैंने format के लिए इतना बड़ा जगह छोड़ा है, so you can do that here only. Right? आप मेरे को line से बताइए. Repair and maintenance आएगा. Very good. प्लांट एंड मशीनरी का मतलब फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, 980,500. इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी का आएगा, प्रोडक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में है, 96,000. देन रॉ मटेरियल परचेज हो गया, वेजेस हो गया, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आई पी बाद में होगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट यहाँ आएगा 86,000, ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा यहाँ आएगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस 92,600. जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सब यहाँ पर आएगा, राइट. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मैंने आपको बताया था, या तो प्रोडक्शन का नेचर का होता है या वो सेलिंग का नेचर का होता है. तो फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन रिलेटेड 9,00,000 है, अदर्स वाला सेलिंग रिलेटेड है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला लेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन 9,00,000, अदर्स वाला नहीं लेना. सेल ऑफ स्क्रैप यहां से लेस होगा, लेस स्क्रैप क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरेट हुआ है. प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू प्रिजर्व, तो ये भी ओवरहेड माना जाएगा. प्राइमरी मतलब पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये तो लेस हो रहा है, नेगेटिव में आएगा ना ये. प्राइमरी पैकिंग कितना है? 10,200. तो इन सबको ऐड प्लस माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड. बोलिए, 98,500 प्लस 96,000 प्लस 86,000, 92,600, 9,00,000 प्लस 10,200 माइनस 9,200, 21,56,100 प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी. तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है 4,06,000 और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है 6,02,100. तो सीधा मेरा आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट और यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. सैलरी ऑफ डायरेक्टर नहीं लेंगे, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ प्रोडक्शन.
इसमें जो भी आ रहा है इसके साथ प्लस कर देंगे 85,62,000 प्लस 4 लाख, 6 माइनस 6 लाख 2,100, तो ये कितना आ रहा है, 10,01,05,22,000, 1,05,22,000। एकदम सिंपल इजी प्रॉब्लम है, राइट? तो बेसिकली आरटीपी भी आपको ये बता रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में टफ आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे, राइट? इसमें मेन पार्ट वाज दिस, ये वाला आपका मेन पार्ट था, दिस वाज मेन। इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग? ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ये नॉन इंटीग्रेटेड का सम है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल का क्रेडिट बैलेंस, स्टोर लेजर, WIP, ये सब का बैलेंस दे दिया है, और इस साल होने वाले ट्रांजैक्शंस भी मुझको दे दिए हैं। अपने को बोला है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाओ, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, वेरी गुड। तो कॉस्ट लेजर बनेगा, स्टोर लेजर बनेगा, कॉस्ट लेजर मतलब जनरल लेजर, WIP, फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेजेस, सब बनाने बोला है, सारा अकाउंट बनाने बोला है, कुछ भी नहीं छोड़ने बोला है, राइट? सो नेक्स्ट अप वी हैव विद अस आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट? हम लोगों को सारा बनाने बोला, ट्रायल बैलेंस भी बनाने बोला है, इज दैट फाइन? सो लेट अस प्रिपेयर बहुत सारा लेजर अकाउंट्स, हाउ मैनी क्वेश्चन में कितना बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बन गया हमारा, राइट? तो एक है हमारा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक है हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक है हमारा WIP कंट्रोल अकाउंट, एक बनाने बोला है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, एक बोला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एक बोला है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और एक बोला गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट।
सारा बनाने बोला है, सारा। ठीक है, ठीक है, किसका किसका कितना बैलेंस दिया हुआ देख लो। स्टोर लेजर का डेबिट बैलेंस है 30 लाख। ठीक है, स्टोर लेजर का डेबिट बैलेंस दे दिया 30 लाख। WIP का दिया हुआ है 15 लाख, फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 25 लाख। ये सब स्टॉक है तो डेबिट बैलेंस होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 1.5 लाख, मतलब लास्ट ईयर ओवर रिकवरी था जिसको हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 68 लाख 50,000। इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम एनी वन? दैट्स कूल। नेक्स्ट अप वी हैव फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। बाईस लाख 50,000 फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मतलब दीज आर कंप्लीटेड। सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स, राइट? तो 22,50,000 WIP से आउट होगा बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के, और फिनिश गुड्स कंट्रोल में इन होगा 2 WIP कंट्रोल बोल के। सिंपल। अब सिंस वी आर प्रिपेयरिंग ऑल अकाउंट्स, तो हर एक ट्रांजैक्शन विल बी कमिंग इन 2 डिफरेंट अकाउंट्स, राइट? Is that fine? Next, manufacturing overhead incurred. So manufacturing overhead मतलब expense account debit 8,50,000, reference में 2 cost, ledger control account और cash paid. Cash is a cost ledger account. So 8,50,000 बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इज दैट फाइन?
देन वी हैव रॉ मेटेरियल परचेस्ड, कितने का माल खरीदा 12,50,000, स्टोर में माल आएगा डेबिट साइड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड 12,50,000 बाई स्टोर बोल के कॉस्ट लेजर का क्रेडिट साइड में। सिंपल है, इतना सोचने का नहीं है, स्टोर में माल आ रहा है डेबिट साइड, कॉस्ट लेजर का क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेजेस एंड इनडायरेक्ट लेबर दोनों मिला के है 6,00,000, तो पहले वेजेस में टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 6,00,000 पे हो गया वेजेस टू कैश, सो कैश में आएगा बाय वेजेस कंट्रोल 6,00,000, डन, वेजेस पे हो गया, कॉस्ट लेजर का क्रेडिट साइड में आ गया, डन। अब इसमें WIP में जाएगा 4,00,000 जो फैक्ट्री लेबर है, और इनडायरेक्ट वाला जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में, तो ये तो टैली हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल से 2,00,000, राइट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, तो इसका डबल हो गया। WIP में आएगा टू वेजेस कंट्रोल से 4,00,000, ये यहां से निकलकर यहां आ गया, यहां से निकलकर यहां आ गया, यस और नो? कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब इतना रुपया का सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो फिनिश गुड्स से जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हाउ मच, 17,50,000, तो यहाँ पे आएगा टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 17,50,000, माल निकल के कस्टमर के घर में आ गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो स्टोर से लेके WIP, राइट, तो बाई WIP स्टोर से निकल रहा है 13,50,000 का माल, और WIP में आएगा टू स्टोर लेजर इज दैट फाइन? बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, तो 90,000 फिनिश गुड्स अकाउंट में आ गया, रेफरेंस टू कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स वापस आ गया, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकल के वापस से फिनिश गुड्स में चला गया। जब सेल्स सेलिंग प्राइस और सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस, इसका जितना भी माल बेचते हैं ना, तो एक तो मूवमेंट होता है गुड्स का और एक सेल का मूवमेंट, मतलब जो पैसा आ रहा है उसका मूवमेंट, तो दोनों दिखाई। ये तो हमने गुड्स का मूवमेंट दिखाया, फिनिश गुड्स से जब सेल हुआ निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकल गया वापस से फिनिश गुड्स में आ गया, राइट। अभी कैश का मूवमेंट हम लोग नहीं दिखाया है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो स्टोर में चला जाएगा बाय CLC, और CLC में आएगा
ठीक है, तो ये मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर है, तो रॉ मटेरियल निकल गया और राइट परचेस करते वक्त स्टोर में आता है, यहां से स्टोर से चला जा रहा है, सप्लायर को वापस कर दिया। सो क्रेडिटर टू परचेजेस, तो टू परचेजेस मतलब स्टोर क्रेडिट होगा एंड क्रेडिटर डेबिट मतलब कॉस्ट लेजर डेबिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन 8.5 लाख, बाई WIP कंट्रोल साढ़े आठ लाख और WIP में आएगा राइट। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हो गया WIP में। अभी अपने को सेल नहीं दिया, सेल रिटर्न एट सेलिंग प्राइस नहीं दिया और अंडर रिकवरी का ट्रीटमेंट अपने क्या करें बताइए, तो वो सब चीज के बारे में बोला नहीं है। अगर बोलता अंडर रिकवरी रिटर्न ऑफ तो कॉस्टिंग बिल में डाल देते, बट अभी कॉस्टिंग बिल खोलना वाजिब नहीं है राइट। तो अपने क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, सेल्स एट कॉस्ट, रिटर्न एट कॉस्ट को सेल मान लीजिए तो वो जनरल लेजर में भी आ जाएगा ठीक है, तो वो अपने नहीं करेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है। तो ऐसा करने के बाद हर लेजर का बैलेंस निकालते चलो एज ऑफ नाउ। जैसे मैं कॉस्ट लेजर का अगर एज ऑफ नाउ का बैलेंस निकाल लूं, स्टोर लेजर का भी निकाल लूं, उसको जाने दो, खाली देख लो एक बार, लेट हो जाएगा ठीक है। ₹68,50,000 प्लस 8.5 लाख तो 94,20,000 ठीक है ओके। स्टोर लेजर में आएगा, स्टोर लेजर का बैलेंस बताइए, कैलकुलेट करो, ₹27,70,000 ठीक है। ₹15,04,19,00,000 41 इसका बैलेंस आ रहा है 18,50,000। फिनिश गुड्स का कितना आ रहा है, 30,90,000 इसमें आ रहा है 50,000 इसका आ रहा है
तो हर एक लेजर का हम लोगों ने बैलेंस निकाल लिया है। राइट right. So we have calculated balance of each and every ledger. So now what we can do? हम लोग चाहें तो डेबिट क्रेडिट सीएलसी एसएलसी डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइनल रिव्यू तुम करोगे, अभी वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका 94,20,000 क्रेडिट बैलेंस है। इसका 27,40,000 है। इसका 18,50,000 है। इसका 30,90,000 है। इसका 50,000 है। इसका 16,60,000 है। चेक करिए तो एक बार, 27,70,000, 18,50,000, 30,90,000, 50,000 आ गया। 94,20,000, 94,20,000। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सिंस वी डोंट नो, हम लोगों को नहीं मालूम है आगे क्या करना है। वेन वी डोंट नो कि आगे क्या करना है, तो हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। राइट, आरटीपी में दे हैव गिवन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बट इट्स बेटर टू डू लाइक दिस। राइट, is that fine everyone? Any problem?